नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें बात करनी है इस विषय से संबंधित या इस यूनिट से संबंधित मिसलेनियस की, जिसे हम विविध कहते हैं। दोस्तों, विविध में पूरी यूनिट के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया जाएगा जो आपको जानना आवश्यक है। विविध किसी टॉपिक विशेष को हम नहीं कहते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी यूनिट या किसी भी टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक पढ़े, उनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकाल कर आपके सामने रख दिए जाते हैं, जिसे विविध कहा जाता है। ठीक, तो उन्हीं सब बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। 10 तारीख का मैंने आपसे कहा था, 10 मई तक हम इस यूनिट को या इस यूनिट की वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, 10 मई तक हमने जितनी इस यूनिट में टॉपिक्स थे उन सभी को कवर किया। फिर इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आए जिसमें हमने फुल फॉर्म्स को जाना, जो कि टॉपिक के अंतर्गत नहीं था। जितने भी टॉपिक हमने कवर किए उन सभी टॉपिक में से ही फुल फॉर्म्स निकाल कर उस वीडियो में कवर किए गए। इसी प्रकार से यह वीडियो किसी टॉपिक विशेष पर नहीं है। जितने भी टॉपिक अब तक हम कवर कर चुके हैं उनमें से ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर समायोजित किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। दोस्तों, इनको आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि यदि इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता है तब आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने में या सही उत्तर टिक करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से, जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानकारी रखते हैं। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। अब आप हमें कमेंट में बताएं, पंच कार्ड की खोज किसने की? फिर दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किस ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया? इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ठीक, इनका नाम ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इन्होंने आविष्कार किया था। अब कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। ठीक, फिर बात करते हैं अगले बिंदु की। कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, जब आप कंप्यूटर को उपयोग करते हो तो किन दो डिवाइसेस का सबसे ज़्यादा यूज करते हो? तो दोस्तों, आप पाएंगे माउस और कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कंप्यूटर का उपयोग करते समय। और माउस और कीबोर्ड दोस्तों किस प्रकार के डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस हैं। आपको कमेंट में क्या बताना है कि माउस और कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है? दोस्तों, दोनों के आविष्कारक अलग अलग हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। तो आप हमें बताएं माउस और कीबोर्ड के आविष्कारक कौन हैं। फिर बारी आती है वर्ष 1968 की। दोस्तों, 1968 में पहली बार माउस बनाया गया था जिसकी बॉडी लकड़ी की थी। यहाँ पर जनरल सी चीज आपको बताने का प्रयत्न किया जा रहा है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? तो जब आप माउस पर दो बार क्लिक करते हैं तो सूचना सीपीयू में जाती है। थ्योरी वाले सेक्शन में हमने विस्तार से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करी है। आपको एक बार इस पूरी वीडियो सीरीज को जरूर देखना चाहिए ताकि आप यूनिट 9 पर अपनी मजबूत पकड़ बना पाए। यदि आप 2x में भी इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम को अभी काफ़ी समय है,
आप एक 1.5 दिन आपको लगेगा, लगभग कितना 10 से 15 घंटे में आप सारा कंटेंट कवर कर लेंगे। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मैंने आपको चीजें बताई हैं उस प्रकार से अधिकतर चीजें आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगी। यदि यह बात सही है तो जिन्होंने इस वीडियो सीरीज को देखा है वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि जो मैंने कहा वह सही है या किस हद तक सही है। यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिन्होंने इस सीरीज को लगातार पूरा देखा है और आज इस सीरीज के अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, फिर बारी आती है अगले बिंदु की। दोस्तों, कीबोर्ड की केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं? बड़ा आसान सा प्रश्न है, यूएसबी पोर्ट में हम इसे लगाते हैं। फिर पुराने कंप्यूटर से ई अपशिष्ट के रूप में निकलने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर पुराने हो जाते हैं जिनको अलग कर दिया जाता है उनमें से बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा, ये सभी तत्व ई अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं, इतना आप ध्यान रख लें। फिर नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। यदि प्रश्न आ गया कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र क्या है, तब आपको आंसर करना होगा वह है इंटरनेट। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो डायल अप सर्विस, जो यहां पर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बारी आती है प्रथम पृष्ठ, जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो भारत का नहीं, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, उसे हम कहते हैं होम पेज। यदि आप यह नहीं जानते तो सच में बहुत चिंताजनक स्थिति है, फिर आपको इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता आप इसी सीरीज को देखें, आप किसी दूसरी सीरीज को भी देखें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है। आप अलग अलग बुक्स को पढ़ें, फिर यदि आप इतना बेसिक सा प्रश्न नहीं जानते आप कंप्यूटर को यूज करें, वेबसाइट पर जाकर देखें, व्यवहारिक अनुभव भी लें, कहीं से भी आप पढ़ें, लेकिन आप बहुत मेहनत करें, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहला पृष्ठ होता है होम पेज। ठीक है, वही चीज निकल के सामने आई, बस आपसे घुमा के पूछ लिया गया थोड़ा सा। फिर बारी आती है टेलीफोन सिस्टम ध्वनि संकेतों के प्रसारण हेतु किसका उपयोग करता है? तो सर्किट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है टेलीफोन सिस्टम द्वारा ध्वनि संकेतों के प्रसारण के लिए। ठीक है, फिर बारी आती है इंटरनेट सिस्टम किस पर कार्य करता है? दोस्तों, इंटरनेट सिस्टम पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, इसको आप ध्यान रखें। फिर एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का विमोचन या इसको लॉन्च कब किया गया? तो वर्ष 1981, इसकी चर्चा भी हमने की थी, मैंने आपको याद ही करवा दिया था। यहां आपसे पूछा गया ब्लूटूथ टेक्निक में रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? हमने चर्चा की थी ब्लूटूथ में होती है 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज, कितनी? 2.4 to 2.8 गीगाहर्ट्ज। फिर वाईफाई में कितनी होती है? हमने चर्चा करी थी शुरुआती रेंज तो उतनी ही रहेगी, 2.4 या 2.4, और अंतिम हो जाएगी 5 गीगाहर्ट्ज। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज किसमें रेडियो तरंगों की आवृत्ति होती है? तो वाईफाई में होती है। ठीक, यहां आप कंफ्यूज ना हो, इंटरनेट सिस्टम काम करता है पैकेट स्विचिंग पर, और टेलीफोन सिस्टम में जब ध्वनि संकेतों का प्रसारण होता है तो वह काम करता है सर्किट स्विचिंग पर। फिर बारी आती है गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? फ्री वाईफाई दोस्तों, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसे आप ध्यान रख लें, पूछा जा सकता है।
फिर दोस्तों भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण कब किया गया? तो यहां पर बताया जा रहा है 29 जनवरी 2018 को भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण किया गया। आपको बताना है लाईफाई का फुल फॉर्म, ठीक। फिर विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क जिसका नाम है निकनेट। दोस्तों निकनेट को कब स्थापित किया गया, ऐसा कुछ भी हमने पढ़ा था तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं। फिर इंटरनेट पर सीडेक द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित पूछा जा रहा है? सीडेक द्वारा निर्मित एक ऐसा मल्टीमीडिया पोर्टल है तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों तलाश। तलाश क्या है आपको ध्यान रखना है, तलाश एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम है। किसने बनाया है? सीडेक ने बनाया है। सीडेक का फुल फॉर्म दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इतनी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर बारी आती है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया, तो वर्ष 2000 में आया, ठीक। इसके बाद अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B के तहत एक संस्था के गठन का प्रावधान है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है सर्ट इन, इसका फुल फॉर्म बताएं और कब इसकी स्थापना हुई ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के आंसर पूछने का मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने काफी विस्तार से आपको चीजें ना सिर्फ बताई हैं बल्कि अलग अलग तरीके से आपको चीजों को याद करवाने का प्रयत्न भी किया है, ठीक है। फिर बारी आती है अगले बिंदु की, जो कि है भारत के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? भाई परम नाम था, दुनिया जानती है, दुनिया तो नहीं भारत के तो सब लोग जानते ही हैं, जो कम से कम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको पता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम, और सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? नहीं जानते तो अब जान जाओ, विजय भाटकर। हालांकि जिन्होंने पहले सीरीज देखी है इनका नाम उन्होंने कई बार ऑलरेडी सुन लिया होगा, ठीक। अगला बिंदु क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना का नाम क्या है? दोस्तों अनुपम नाम की एक योजना या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, ठीक। अब आपको बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना किस सन में हुई थी, और इस प्रोग्राम का नाम जरूर याद रख लें, अनुपम प्रोग्राम इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। फिर अगला बिंदु क्या है? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी है? तो ध्यान रखें 64 बिट या 8 बाइट सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास है। फिर बारी आती है अगले पॉइंट की, जो कि है वर्ष 2000 आगमन के पूर्व कंप्यूटर में एक समस्या का अनुमान लगाया गया था, उसका नाम है दोस्तों Y2K, इसका फुल फॉर्म भी हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप कमेंट कर दें हमें, और ध्यान रखें कि जो Y2K है वह एक कंप्यूटर की समस्या है जो वर्ष 2000 के आने के पहले इसका अनुमान लगाया गया था, ठीक। फिर बारी आती है भविष्य में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर हो गया। अब किस पर रिसर्च चल रही है दोस्तों? अब रिसर्च चल रही है क्वांटम कंप्यूटर पर, इसको आप ध्यान रख लें, क्वांटम कंप्यूटर होगा दुनिया दोस्तों भविष्य में विकसित ऐसा कंप्यूटर जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल कर लेगा, सबसे छोटा होगा और बहुत तीव्र गति का होगा, ठीक। सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं, बस यदि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगला बिंदु क्या कहता है? अगला बिंदु कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग दोस्तों देहरादून में स्थित है।
एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर। दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर किए हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, कहाँ उपयोग होता है, सारी चीज़ें हमने बहुत विस्तार से कवर करी हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप वीडियो सीरीज को एक बार ज़रूर देखें, मज़ा आ जाना है आपके लिए, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। हमने ना सिर्फ यूनिट 9 की सीरीज़ आपको बनाई है, यदि आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करते हैं तो आपके लिए यूनिट 10 MP की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, काफ़ी सारे MCQ की हमने अलग से प्लेलिस्ट आपको बना के रखी है। जो MPPSC की आई थिंक यूनिट 1, 3 और 5 वहाँ आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। साथ ही साथ हमने आपके लिए कंप्यूटर की 84 वीडियो की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, जो आपके लिए पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं और जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ आपको बहुत लाभदायक साबित होगी। कंप्यूटर तो आपको CPCT में भी बहुत लाभदायक होगा, आपको CPCT में 50% स्कोर करने होते हैं, 50% प्लस 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आपको आधे से एक थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियर करना होता है, 50+% है ना, तो 38 क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 32-33 क्वेश्चन आते हैं, 32-33 नहीं 52-53 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 20-25 नंबर का आपका उसमें 20-22-23 ऐसा कुछ मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत पैसेज वगैरह और GK ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो तो आसानी से इंसान कर लेता है। और उसमें पास होने के लिए यदि कंप्यूटर के आप 20-25 क्वेश्चन भी डायरेक्ट हिट कर दें, क्योंकि माइनस मार्किंग उसमें नहीं होती, तो आप आसानी से 38 क्वेश्चन कवर कर जाएंगे। और 38 तो आप हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज अकेले से कवर कर लेंगे, बाकी सारी तो बोनस हो गए आपके लिए, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे आप, 50-60 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं यदि आपने उस सारी सीरीज को देखा है कंप्यूटर की और बेसिक आइडिया आपको चीज़ों के बारे में है पहले से। तो फिर बारी आती है WWW के आविष्कारक कौन है, तो ध्यान रखें टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक है। फिर कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहते हैं WWW। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है, सेट ऑफ रूल क्या कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, प्रोटोकॉल। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। जंक ईमेल जिसे कहते हैं अवांछित संदेश, मतलब ऐसे संदेश जिसे कोई प्राप्त करना नहीं चाहता, जो मन को अच्छे नहीं लगते, मतलब नहीं चाहता इंसान, उन्हें कहते हैं अवांछित संदेश या जंक ईमेल, तो हम उन्हें कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में स्पैम, ठीक है भाई। फिर बारी आती है अगले बिंदु की, किसी निश्चित पते पर एक ही ईमेल संदेश बार बार भेजना, इसे कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। दोस्तों गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है क्रोम, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर ऑटोमेटिक दस्तावेजों को खोजता है वेब क्रॉलर कहलाता है, ठीक है। दोस्तों ये सारे फैक्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिन्होंने सारी वीडियो सीरीज देखी है वो तो सोच रहे होंगे कि सर सारी चीज़ें वही की वही रिपीट हो रही हैं, इस वीडियो को बनाने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को एक बार में कवर कर लें, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर चेक करें एक बार प्लेलिस्ट, मज़ा आ जाना है आपको, ठीक। वेब क्रॉलर के या वेब क्रॉलर को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो वेब क्रॉलर को हम जानते हैं वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु आपसे पूछा जा रहा है वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी का पूरा नाम क्या है, तो वाईमैक्स का फुल फॉर्म सीधा आपसे पूछा जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसे आप ध्यान रखें। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल किससे बचाता है, तो अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। टेलीविजन ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है, तो टेलीविजन ट्रांसमिशन दोस्तों सिंपलेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। दोस्तों कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है, तो दोस्तों बुलियन बीजगणित या बुलियन एलजेब्रा पर आधारित होती है कंप्यूटर की मशीनी भाषा, ठीक। फिर अगला बिंदु
बाइनरी भाषा में अंक होते हैं जीरो और वन। 8 बिटों के समूह को कहते हैं बाइट। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कुल बाइट होते हैं कितने? 10,48,576। डॉट नेट फ्रेमवर्क विकसित किया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। जावा को किसने विकसित किया? तो जेम्स गोसलिंग ने विकसित किया। ठीक, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर ईथरनेट एक उदाहरण है दोस्तों। ईथरनेट किसका उदाहरण है? लैन का उदाहरण है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। अगला बिंदु क्या है? किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो HTTP के द्वारा हम WWW में पहुंचते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर बारी आती है फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट एक छोटा छिद्र क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं इंडेक्स होल। स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? यह दोस्तों सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप का उपयोग किया गया। चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का हम स्वागत करते हैं दोनों हाथ को जोड़कर। बस आप आंसर जरूर बताएं दोस्तों। कुछ लोग आंसर जरूर बताते हैं, जिनमें से एक हमारे विद्यार्थी हैं जिनका जो नाम डला हुआ है माँ का लाड़ला करके एक, उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं। और एक दो स्टूडेंट और हैं जो आंसर करते हैं, तो उनके इस प्रयास की बहुत ज़्यादा हम सराहना करते हैं। उम्मीद है इस प्रकार से वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे सारी चीज़ों में, जहाँ पर भी उनको बेनिफिट मिलता है प्रश्न पूछे जाते हैं। हर जगह आप इस प्रकार से अपनी सक्रियता दिखाएं, ताकि जो भी आपके लिए काम करता है उसका मनोबल इससे बना रहता है और निरंतर वो इस प्रकार के प्रयास करता रहता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों फिर बारी आती है अगले बिंदु की। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप बनी किसकी होती है? दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है ना, रिविजन चल रहा है तो, है ना। वह युक्ति जिसके द्वारा डाटा को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसे हम कहते हैं मॉडेम। इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो किसको जोड़ती है? जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। इसके पहले वाले बिंदु में हमने इस चीज को समझाया। सेलेरॉन, पेंटियम कोर, ड्यूल कोर क्या है? दोस्तों पेंटियम भी कुछ लोगों ने सुना होगा, कोर ड्यूल कोर अधिकतर लोगों ने सुना होगा, i3, i5, i7 भी सुना होगा, लेकिन सेलेरॉन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों ये सभी माइक्रो प्रोसेसर हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। कोबोल, बेसिक, पास्कल ये क्या है? ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल और लो लेवल में अंतर क्या है, बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बेसिक अंतर बताएं। दोस्तों मैं एक विद्यार्थी से नहीं कहता कि सारे प्रश्नों के आंसर करो, जिसमें आपका मन हो आप उसका आंसर करते हैं। ठीक है, सारे प्रश्न के आप आंसर करेंगे तो बहुत टाइम आपको लगेगा, और मेरा काम होता है कि आपसे प्रश्न पूछता रहूं। क्योंकि यदि आपको प्रश्न के आंसर नहीं पता, भले आप कमेंट करें या ना करें, उससे आपका बेनिफिट है, आपको समझ आएगा आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, फिर आप उसको वीडियो के बाद जाके सॉल्व कर सकते हैं। यह मेरा उद्देश्य होता है आपसे प्रश्न करने का। और आपसे कमेंट मांगने का दूसरा उद्देश्य क्या होता है? आपका पार्टिसिपेशन बनता है, आपका रिविजन होता है। यदि आपको चीज़ नहीं पता तो आप उसको सर्च करके खोजते हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो लिखने से चीज़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं, और दूसरे विद्यार्थियों का भी फायदा होता है, क्योंकि वो कमेंट पढ़ते हैं तो उनका नॉलेज बेस आपकी बदौलत बढ़ रहा होता है। और इससे बढ़िया चीज़ किसी के लिए क्या हो सकती है कि अपने बेनिफिट के साथ साथ यदि आपके बेनिफिट से दूसरे का भी बेनिफिट हो, तो दिल को कितना सुकून मिलता है, मन को शांति प्राप्त होती है। तो अपने मन की शांति के लिए आप एक दो कमेंट कर सकते हैं बढ़िया बढ़िया से आंसर के फॉर्मेट में। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। क्या कहता है दोस्तों? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में भाई क्या परिवर्तित करता है? ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, असेंबलर करता है। ठीक, फिर बारी आती है किसी डोमेन नेम का आखिरी में edu.edu
.us लिखा है, इसका संबंध है यूएसए की शैक्षणिक संस्थान से। LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, VOLTE का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। ठीक, ध्यान रखें, LET का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, VOLTE का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। फिर बारी आती है USB के फुल फॉर्म की, जो कि होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे हम कहते हैं पोर्ट। ठीक, सूचना प्रबंधन उपकरण क्या कहलाता है, उसे कहते हैं विविलियोमेट्री। याद रखें, विविलियोमेट्री सूचना प्रबंधन उपकरण कहलाता है। फिर IRC का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंटरनेट रिले चैट। फिर CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों, ग्राफिक्स एनिमेशन वीडियो और म्यूजिक किस में शामिल होता है, बच्चा बच्चा जानता है, जो फोन चलाता है इसको मल्टीमीडिया में शामिल करते हैं। जब बच्चा बच्चा जानता है तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत पहले बच्चे थे, अब आप बड़े बच्चे हो गए, तो बेसिक सी चीज़ें आप पे बननी चाहिए। नहीं बन रही तो बढ़िया मेहनत करो, जिससे एक बार में सारा कुछ क्लियर हो जाए। फिर अगले बिंदु की बात करते हैं, एक ही समय में एक से अधिक उपयोग की क्षमता वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, भाई मल्टीटास्किंग, एक साथ काफ़ी सारे काम हो रहे हैं तो मल्टीटास्किंग ही कहेंगे। हिंदी इंग्लिश भी आपको थोड़ी बहुत आ रही है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे उड़ा देंगे। ठीक, डाटा का एक वचन डेटम कहलाता है। दोस्तों, हिंदी वाले सेक्शन में ना पूछने सब इंस्पेक्टर, डाटा का एक वचन बताइए, डेटम निम्न में से कौन सा, एक वचन, बहुवचन, इस तरीके से पूछो, डेटम। ठीक, याद रखें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। चीन में विकसित सर्च इंजन बायडू, सबकी चर्चा हमने की हुई है। यूरोप में लोकप्रिय है डक डक गो। दोस्तों, डक डक गो क्या है, सर्च इंजन है, इतना ध्यान रखें। 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च सर्च इंजन का नाम क्या है, बिंग। भाई बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, 2009 में लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर बारी आती है सूचना प्रौद्योगिकी को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर, दोनों चीजें चाहिए हैं। ठीक, तो बन जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक, कोई एक भी गायब तो नहीं हो पाएगा काम। फिर बारी आती है कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित, क्रैकर्स को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो क्रैकर्स को कहते हैं हम ब्लैक हैट हैकर। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के या बिना किसी अथॉरिटी के कंप्यूटर में सेंध लगाकर घुसता है और जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, दोस्तों ऐसा होना चाहिए, विकृत करता है, उसे हम कहते हैं क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर। हमने हैकर्स के टाइप भी पढ़े थे, यदि आपको याद हो, जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं तो ज़रूर हमें बताएं। फिर बारी आती है दोस्तों फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट आदि सब साइबर अपराध है। फिर अगली बिंदु की बात हम करें तो स्काई ड्राइवर क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्या स्काई ड्राइवर एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जिसे अब वन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। ध्यान रखें, वन ड्राइव का संबंध किससे है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है, जिसे हम स्काई ड्राइव कहते थे पहले। और यह क्या है, क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्लाउड स्टोरेज क्या होते हैं, इसकी चर्चा भी की हुई है, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित दोस्तों, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, किसका है कमेंट सेक्शन में बताएं। JSP का फुल फॉर्म जावा सर्वर पेज। IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था IBM 360। IBM का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं। IIT जोधपुर और लंदन की कंपनी डाटा विंड द्वारा विकसित विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट था आकाश। आकाश किसने बनाया था, IIT जोधपुर और लंदन की कंपनी है डाटा विंड, इन्होंने बनाया था दोनों ने मिलकर आकाश को। और भैया दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट है आकाश। विद्या वाहिनी योजना का संबंध है कंप्यूटर शिक्षण से। ठीक, फिर डक नेट वेब पोर्टल का संबंध है कृषि और सहकारिता से, इसको भी आप ध्यान रख लें, डक नेट का संबंध है कृषि और सहकारिता से। तो दोस्तों बहुत सारे हमने फैक्ट्स जाने,
अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रमुख मोबाइल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की, ठीक है, कि भाई इनकी स्थापना कब हुई, किस देश में मुख्यालय है। सबसे पहले बात होगी जिसको दुनिया दुनिया जानती है, नई जनरेशन हो सकता नहीं जानती हो नोकिया को, एकदम नई है जो, क्योंकि अब नोकिया के फोन उतने चलन में नहीं है या चलन से बाहर हम कह सकते हैं। समय के साथ परिवर्तित होना दोस्तों बहुत जरूरी है, नहीं तो समय हमें पीछे छोड़कर चला जाएगा। नोकिया से आप सीख सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, नोकिया स्थापना 1865 में, फिनलैंड की कंपनी है या फिनलैंड में इसका मुख्यालय है। फिर बारी आती है IBM की, 1911 में स्थापित, याद रखें 1911 में न्यूयॉर्क USA में मुख्यालय। आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सर में दिक्कत है तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक। आप ध्यान रखें कौन सी कंपनी किस देश से संबंधित है, जैसे नोकिया है फिनलैंड से संबंधित, IBM है न्यूयॉर्क और USA से संबंधित। अब बीच में सन लिखा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसको पढ़ूं। यदि आपको समस्या आ रही है तो आप समझ जाएं कि सर तो फालतू बातें करते हैं और सर को इग्नोर मार दें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सन के चक्कर में आप देश या मुख्यालय भूल गए। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले याद करना है ना। यदि दोनों साथ में चल रही तो कोई बात नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़ना है फिर सारी चीज़ों को। पैनासोनिक जापान की कंपनी है, 1918 में स्थापित, पैनासोनिक 1918 जापान। मोटोरोला शिकागो USA की कंपनी है, 1928। सैमसंग साउथ कोरिया में सियोल में इसका मुख्यालय है, 1938। हिताची जापान की है, 1996। सोनी भी जापान की है, 1946। दोस्तों ये हिताची में मैंने 96 बोल दिया 46 की जगह, रात ज़्यादा हो गई है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, गला सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक। तो ध्यान रखें हिताची 1946 जापान, सोनी भी 1946 जापान। यदि कई बार बोलने से मिस्टेक हो जाती है तो आप वीडियो को स्क्रीन पर भी देखें ताकि आपको समझ आए कि सर के मुँह से गलती से कुछ और निकल गया, 46 का 96 जैसे मैंने अभी बोला। तो कभी कभी इस प्रकार से आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक। आप बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें और माफ़ करते रहें बीच बीच में, ठीक। फिर बारी आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, यहाँ तो आप सन भी याद रखें दोस्तों। BEL की स्थापना 1954 में, मैं रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, बेंगलोर भारत में इसका मुख्यालय है। यहाँ पर आपको बेंगलोर भी ढंग से याद कर लेना है, BEL की बात चल रही है, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में स्थापित, बेंगलोर भारत में मुख्यालय है दोस्तों। बार्क BARC इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर बारी आती है LG की, फुल फॉर्म लाइट्स गुड, 1958 में स्थापित, दक्षिण कोरिया की कंपनी है LG। अब आप हमें बताएं DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। फिर बारी आती हैवल्स की, हैवल्स भी LG के साथ 1958, लेकिन कहां की है दोस्तों, भारत की है। भारत में भी हेडक्वार्टर कहां है, तो नोएडा में है, अब ध्यान रख लेना हैवल्स को, ठीक। BEL देखा 1954, फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैवल्स देखा हमने 1958, नोएडा भारत में मुख्यालय। फिर इंटेल की बात आती है, वर्ष 1968, USA में मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट 1975, वाशिंगटन USA, एप्पल 1976, कैलिफोर्निया USA, डेल 84 USA, ब्लैकबेरी दोस्तों 1984 ओंटोरियो कनाडा, याद रखें ब्लैकबेरी कनाडा की कंपनी है, ओंटोरियो दोस्तों सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है ब्लैकबेरी, इसको आप ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि जो स्वच्छात्मक दृष्टिकोण से फोन होते हैं, ब्लैकबेरी के फोन बहुत शानदार होता है, ठीक। फिर बात आती है लेनोवो की, 1984, हांगकांग चीन की कंपनी, भारतीय एयरटेल 1995, नई दिल्ली, ध्यान रखें दोस्तों भारतीय एयरटेल स्थापना 1995 और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गूगल की स्थापना भी आप ध्यान रखें 1998, कैलिफोर्निया USA में मुख्यालय। माइक्रोमैक्स भी 2000 की है, गुड़गांव हरियाणा में हेडक्वार्टर है। रिलायंस जियो 2007 मुंबई, वीवो 2009 चीन की कंपनी है, वोडाफोन आइडिया VI जिसे हम कहते हैं संयुक्त रूप से, 2018 गांधीनगर गुजरात। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आपको ध्यान रखना नोकिया फिनलैंड की कंपनी है,
इसके अलावा यूएसए की कंपनी हम एक बार साथ में देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आईबीएम, मोटोरोला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, डेल, गूगल, इतनी कंपनी यूएसए की हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी, गूगल, डेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मोटोरोला, आईबीएम। ठीक, फिर हम देख लेते हैं अन्य कंपनियों को, जैसे कि पैनासोनिक जापान की है, सैमसंग दक्षिण कोरिया, हिताची जापान, सोनी जापान। क्या? पैनासोनिक, हिताची, सोनी, ये जापान की हैं, ध्यान रख लेना, पैनासोनिक, हिताची, सोनी जापान की कंपनियां हैं। मैं एक साथ लिखकर इसलिए बोल रहा हूं कि आप दो चार बार रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में आप क्लिक कर जाएंगे। पैनासोनिक, हिताची, सोनी, पैनासोनिक, हिताची, सोनी कहाँ की? जापान। पैनासोनिक, हिताची, सोनी, जापान, याद कर लेना बिल्कुल। अब BEL तो सबको पता है, 1954 बेंगलोर भारत की है। LG दोस्तों कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की, और सैमसंग भी दक्षिण कोरिया की है। LG सैमसंग कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। ब्लैकबेरी दोस्तों ओंटेरियो कनाडा। लेनोवो चीन की है। भारतीय एयरटेल तो हम जानते हैं भारत की है, 95 में बनी। माइक्रोमैक्स भी हरियाणा गुरुग्राम यहाँ मुख्यालय है, 2000 में बनी, भारत की है। रिलायंस जियो 2007 मुंबई। वीवो दोस्तों चाइना की है। वोडाफोन आइडिया गांधीनगर गुजरात 2018 में बनी। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारक और संस्थापक की। ठीक, तो चलिए शुरू कर लेते हैं कंप्यूटर के जनक से। सबको पता है चार्ल्स बेबेज। पर्सनल कंप्यूटर के जनक एडवर्ड रॉबर्ट, ध्यान रखें पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं एडवर्ड रॉबर्ट। प्रोग्रामिंग भाषा सी के आविष्कारक डेनिस रिची, WWW के संस्थापक टिम बर्नर्स ली, सन आप हमें बताएंगे। माउस के आविष्कारक डगलस इंजेलबार्ट, कौन? डगलस इंजेलबार्ट, सन बताएं कब खोजा। कीबोर्ड के आविष्कारक क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स, कौन है कीबोर्ड के आविष्कारक? क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स। ठीक, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, 1998 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं विल गेट्स और पॉल एलन, कौन है? विल गेट्स और पॉल एलन। ठीक, चलिए दोस्तों हाइलाइटर का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। हम अक्सर पेन का ही यूज करते हैं, लेकिन अब आपको हाइलाइटर के माध्यम से इस अंतिम वीडियो में समझाने का प्रयत्न करते हैं। समझाने का कुछ है नहीं दोस्तों, बताने का प्रयत्न करते हैं, फैक्ट्स को मेमोराइज करवाने का प्रयास करते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग। ठीक, हाइलाइटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस प्रकार से सारी चीजें सेट कर लेते हैं। कौन है फेसबुक के संस्थापक? मार्क जुकरबर्ग है। विप्रो कंपनी के संस्थापक हाशिम प्रेम जी और अजीम प्रेम जी हैं। ध्यान रखें विप्रो के संस्थापक कौन है? हाशिम प्रेम जी और अजीम प्रेम जी। इंफोसिस कंपनी के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, कौन है इंफोसिस कंपनी के संस्थापक? NR नारायण मूर्ति। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। ठीक, फिर हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया। फिर बारी आती है USB के संस्थापक आविष्कारक। दोस्तों USB के संस्थापक कैसे हैं? संस्था थोड़ी ना है, USB का फुल फॉर्म बताएं, और फिर USB के आविष्कारक हैं अजय भट्ट। ठीक, फिर बारी आती है IC की, तो IC के आविष्कारक कौन है? जैक किल्बी है। फिर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक जॉन मैकार्थी। फिर विश्व में ईमेल के जनक कौन है? रे टॉमलिंसन है। फिर बारी आती है याहू के आविष्कारक की, तो दोस्तों याहू के आविष्कारक हैं जेरी यंग एंड डेविड फिलो, ध्यान रखना है जेरी यंग एंड डेविड फिलो। इंटरनेट के संस्थापक विंट सर्फ है। ठीक, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। कंप्यूटर के जनक दोस्तों कौन है? चार्ल्स बेबेज है। फिर बारी आती है पर्सनल कंप्यूटर की, पर्सनल कंप्यूटर के जनक एडवर्ड रॉबर्ट है। फिर प्रोग्रामिंग भाषा सी के आविष्कारक कौन है? डेनिस रिची है। WWW के संस्थापक टिम वर्नर्स ली हैं। माउस के आविष्कारक डगलस इंजेलबार्ट हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स हैं। एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक विल गेट्स और पॉल एलन हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, विप्रो कंपनी के हाशिम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, इंफोसिस के हैं NR नारायण मूर्ति राव,
एन आर नारायण मूर्ति इंफोसिस के संस्थापक हैं और सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं, हॉटमेल सबीर भाटिया, यूएसबी अजय भट्ट, आईसी चिप जैक किल्बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, दुनिया में ईमेल का जनक या विश्व में ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन, याहू के आविष्कारक हैं जेरी यंग एंड डेविड फेलो, इंटरनेट के संस्थापक माना जाता है विंट सर्फ को। अब दोस्तों ये है आखिरी पेज, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने काम की बातें लिखें। अब मैं तो यहाँ पर अपने काम की बातें लिख सकता हूँ, कुछ भी है ना। यदि आपको लिखना है तो आपको इस पुस्तक को परचेज करना होगा। बहुत बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप चाहें तो अपनी नज़दीकी बुक स्टॉल से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं, ठीक। पर इस वीडियो सीरीज का यह हमारा आखिरी वीडियो है। लास्ट में आपको काफ़ी कलरफुल दिखाई दिया, हाइलाइटर का प्रयोग किया मैं पहले कर लेता इस वीडियो में क्योंकि लिखने की चीज़ें ज़्यादा थी नहीं, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया, ठीक है। तो ये इस वीडियो सीरीज का आखिरी वीडियो है, आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, पहले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक। इस वीडियो का क्रमांक जो भी है 58, 59, 57 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो जो भी हो सारे वीडियोस आप देखें, मुझे उम्मीद है मजबूत पकड़ आप यूनिट 9 की बना लेंगे यदि पूरा आप इस वीडियो सीरीज को देखते हैं तो। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो जाए और मेरा सपोर्ट थोड़ा सा हो जाए। यदि आपका सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊँ, हर 2 दिन में एक वीडियो, 3 दिन में एक वीडियो, जो घटना घटित हो रही है दुनिया में उनको लेकर छोटे छोटे वीडियोस बनाएं ताकि आप दुनिया के बारे में अवेयर हो पाएं, आपका नॉलेज बेस लगातार बढ़ता रहे। और दोस्तों एक बात मैं हमेशा भूल जाता हूं बोलना कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी हम पेस्ट कर देते हैं, तो आप उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि जो और अपडेट्स होते हैं आपको मिलते रहें। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, यहाँ हमें याद आ गया अभी ये भी बोलते बोलते काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं आपसे नहीं बोल पाता, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, लेकिन ज़रूर करें दोस्तों। हर इंसान चाहता है सब्सक्राइबर बढ़े, मैं भी चाहता हूँ, मेरा सपोर्ट होगा मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं लगातार काम भी करता रहूँगा। तो बस आपका सपोर्ट अपेक्षित है, लगातार सपोर्ट करें, बने रहें हमारे साथ। आपका एग्ज़ाम 21 मई को है, जितना भी कवर कराया गया है उतना आप हमारे प्लेटफॉर्म से कवर करें, आगे हम प्रयास करेंगे बढ़िया करने का। हालांकि नई सीरीज शुरू करने में बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है, तो देखते हैं आगे क्या करना है, बाकी कुछ कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस आपके लिए लाने का, और फिर नई सीरीज शुरू होगी तो आपको बताया जाएगा। लगातार बने रहें हमारे साथ, मेहनत करते रहें, कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया कमेंट करें, और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।